Dear students, good morning to all of you. Students, today's root word of the day is serve, S-E-R-V, serve. It has been taken from Latin language and its meaning is slave, S-L-A-V-E, slave. Root word jada serve hai, uska meaning kya hai? Slave. And sentence of the day is we all deserve equity. Now first related word. First related word is service. Service. It is the act of doing something for others. जिसे दूसरे के लिए जो जड़ा काम करते हैं उसको कहते हैं सर्विस सेवा. अभी सेंटेंस के रूप में क्या सकते हैं टीचिंग इज अ सर्विस टू द नेशन. जिहड़ी पढ़ाई पढ़ाना है वो अपने राष्ट्र के प्रति वर्ड है सर्वेंट. सर्वेंट का मतलब है सेवादार या मुलाजिम. सर्वेंट के लोग कहते हैं अ पर्सन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी फॉर अदर. जेड़ा दूसरे के वास्ते अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे उसको सर्वेंट कहते हैं. इट हैज मेनी सर्वेंट्स टू डू हर वर्क. उनका काम करने वास्ते उनके कोल कई सर्वेंट्स हैं. थर्ड वर्ड है बेटा डिजर्व. डिजर्व दो वर्ड्स को बनाया है डी प्लस सर्व. डी का मतलब है कंप्लीटली पूरी तरह ना और सर्व का मतलब है सेवा करना. लेकिन डिजर्व का मतलब ये है हक रखना काबिल होना. कहना मतलब ये है कि जब अभी कोई भी काम करते हैं तो असली डिजर्व करते हैं या तो पनिशमेंट से या फिर इनाम से. मतलब जो अभी चंगा काम करेंगे तो हमें इनाम मिलता है जो अभी माड़ा काम करते हैं तो सानू सजा मिलती है. तो डिजर्व का मतलब होएगा हक रखना या काबिल होना. एग्जाम्पल के तौर पर अभी कह सकते हैं कि गुड स्टूडेंट्स डिजर्व प्रेज फ्रॉम ऑल. कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे ना उन्होंने सारे बंदे प्रेज करते हैं वो प्रेज कराने के काबिल होंगे. एंड द लास्ट वर्ड इज सर्व. सर्व इज टू डू समथिंग फॉर अदर्स. इसका मतलब भी है सेवा करना किसी के वास्ते कोई काम करना उसको कहते हैं सर्व. एंड द सेंटेंस इज वी मस्ट सर्व अवर कंट्री. सानू अपने देश की सेवा करनी चाहिए है. बेटा तो समझ आ गए सारे वर्ड्स. हाँ जी बोलो. ओके आज पंजाबी का वर्ड है बेटा शरीक. शरीक जो वर्ड है इसका मतलब है कि बराबर के हिस्सेदार होना. शरीक वर्ड जो है वो अरबी भाषा शिरक शब्द का मतलब है हिस्सा. और जो शिरक शब्द है वो भी अरबी के शराकत वर्ड तो लिया गया है जिसका मतलब है साझेदारी. इसका मतलब है कि जो शरीक वर्ड है पंजाबी सभ्याचार के उस शब्द लिए वरत्या जाता है जिसके कई की बराबर की साझेदारी हो हिस्सेदारी हो. जिदा असं नॉर्मली गल करते हाँ शरीक की गल करते हैं तो आप अपनी फैमिली के कहते हैं कि भरावान भरावान लिए भी आप शरीक वर्ड यूज करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी के जायदाद के हिस्सेदारी होंगी है. और असं सेंटेंस के रूप में जो अभी फ्रेज के रूप में देखिए तो अभी हमेशा ये वर्ड यूज करते हाँ कि दुख में शरीक होना या सुख में शरीक होना. इसका मतलब है कि जो बराबरदार साझीदार हो हिस्सेदार हो दुख सुख लिए उसको शरीक कहा जाता है. तो आज बेटा इंग्लिश का वर्ड से जो रूट वर्ड से दैट वाज सर्व. एंड पंजाबी का जो रूट वर्ड से वो साडा सी शरीक. थैंक यू हैव अ नाइस डे.